हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। ये जो है एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, आखिर सर्किट ब्रेकर क्या है, इसका क्या टाइप्स है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर ये सर्किट ब्रेकर क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कोई भी अगर डाउट क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियोज़ को एंजॉय करते हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं आखिर ये सर्किट ब्रेकर क्या है। ये सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाला एक स्विचिंग डिवाइस है। हम लोग जो घरों में जो स्विच यूज़ करते हैं वो स्विच भी जो है एक सर्किट ब्रेकर है। वो जो है एक बार सर्किट को मेक करती है और एक बार सर्किट को ब्रेक करती है। ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका भी काम सेम है, सर्किट को मेक करना और ब्रेक करना, जो कि हम लोग ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों कर सकते हैं। किसी भी कारण अगर हमारे फेज लाइन से एक्सेस करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है, वो जो है दो कारण से हो सकती है, एक पहला ओवरलोड और दूसरा शॉर्ट सर्किट। तो उस टाइम जो है हमारे जो सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज़ करते हैं वो जो है ट्रिप हो जाती है और आगे हमारा जो भी अप्लायंस हम लोग लोड पे चला रहे होते हैं वो सेफ रहता है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो सर्किट ब्रेकर है ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जो अप्लायंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी लोड हमारा लगा हुआ है उस लोड को जो है वो एक प्रोटेक्ट करती है। गाइज, अब बात कर लेते हैं आखिर ये जो सर्किट ब्रेकर है ये कितने टाइप के होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है तो आप उन्हें जो है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल के हिसाब से जो है आपको बताना है कि ये सर्किट ब्रेकर जो है कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली ये जो सर्किट ब्रेकर है वो वोल्टेज लेवल के अनुसार तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज का रेंज है वो कितना से कितना के बीच में आता है। तो अगर आप लो वोल्टेज की बात करें तो 0 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक, अगर आप मीडियम रेंज की बात करें तो वो 1000 से 72000 वोल्ट तक, और अगर आप हाई वोल्टेज की बात करें तो 72000 से स्टार्ट करके इसके ऊपर जो भी वोल्टेज है उसे जो है हम लोग हाई वोल्टेज पे लाया जाता है। गाइज, लो वोल्टेज पे हम लोग जो सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं वो बेसिकली होता है MCB, MCCB, ELCB, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि 1000 वोल्ट के नीचे हम लोग जो भी सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर रहे हैं वो जो है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर आता है। गाइस, अब बात करते हैं मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, इसका वोल्टेज का रेंज है 1000 वोल्ट से स्टार्ट करके 72 किलो वोल्ट तक। अब ये 1000 से 72 किलो वोल्ट के बीच में हम लोग जो है जनरली यूज़ करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर का। गाइस, अब बात कर लेते हैं हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ये जो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, इस हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पे हम लोग यूज़ करते हैं जनरली VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल फील्ड सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। तो गाइस, मैंने आपको जो भी बातें बताया ये जो है पूरे सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड है। सबसे पहले जो है आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है सर्किट ब्रेकर क्या है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है टाइप्स के बारे में। तो आई होप कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।